आज तबलीगी जमात वालों ने सारे मुसलमानों को, सारे दुनिया वालों को दिखा दिया कि हम सिर्फ मांगते हैं तो अल्लाह से मांगते हैं, जो होता है अल्लाह से होता है। आज उन्हें 14 दिनों के लिए वेंटिलेटर, यानी उनके कोरोना की वजह से उन्हें अस्पतालों में रखा गया है और वह अपने बेड पर पड़े हैं, वहाँ पर अपने बेड पर कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, तस्बीहात कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, और यहाँ तक कि बाजमात सारे लोग इकट्ठे होकर उसी अस्पताल में बाजमात नमाज अदा कर रहे हैं। और आज हम अपने घरों पर रहते हुए भी, अकेले बिना किसी पाबंदी के रहते हुए भी, आज हम नमाज नहीं पढ़े, कुरान की तिलावत नहीं कर रहे, और न ही हम अल्लाह की इबादत दिल से कर रहे हैं। उन्होंने दिखा दिया कि जो करता है सिर्फ अल्लाह करता है, और हमारी मदद भी सिर्फ अल्लाह ही करेगा। अरे इन तबलीग जमात वालों, कुछ ऐसे वली हैं, कुछ ऐसे अल्लाह के बंदे हैं जिनका वास्ता होता है किसी और से नहीं। अगर वह अपने हाथों को उठाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह उनकी ज़रूर दुआओं को सुनेंगे, और जो उन्हें बदनाम करने में लगे हुए हैं इंशाअल्लाह अल्लाह उन पर ज़रूर अपना अजाब लाएंगे। तो आप लोग भी सब तबलीगी जमात वालों का साथ दें, और ख़ासकर ये न्यूज़ वाले और इंडिया के न्यूज़ वालों पर बातों को ध्यान न दें, क्योंकि ये सारे भड़काने का काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो को अपने और भी दोस्तों तक शेयर कर दें, ताकि और भी अपने दोस्त और आपके भाई इस गलतफहमी में न रहें।